तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे बढ़िया हो गए, सारे अपने अपने घर में सेफ हो गए। तो यार आज फाइनली बहुत ज़्यादा डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद और बहुत सारी मेरी वीडियोस पर कमेंट्स के बाद हम फाइनली करने वाले हैं अपनी स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल मैनुअल का माइलेज टेस्ट। तो एक बार मैं ज़रा इसका पहले टैंक फुल करवा देता हूँ, और ये अब चंडीगढ़ में ही है तो इसका पेट्रोल मैं अभी टंकी पूरी ऊपर तक फुल करा देता हूँ। और भाई इसके अंदर हम करेंगे ऑटो कट टू ऑटो कट फ्यूल टेस्ट, मतलब मैं अपनी गाड़ी कभी भी ऐसे बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरवाता जैसे वो दूसरा आपने यूट्यूबर के देखा होगा कि पूरे गले तक गाड़ी भरवा देते हैं, भाई मैं ऑटो कट तक ही भरवाता हूँ। तो वो ही फ्यूल टेस्ट मैं करने वाला हूँ। तो लो भाई फाइनली आ गए हैं और यहाँ से करवाते हैं फुल। भैया फुल कर दो, ऑटो कट पे छोड़ देना, पेट्रोल है ना, पेट्रोल है करो। भैया तो भरी जा रहा है, इतना बड़ा पेट है अपनी गाड़ी का। तो चलो भाई हाथी पाले तो क्या कर सकते हैं। लो भाई 2000 मार्क तो क्रॉस हो गया, अब देखो कितना ऊपर जाता है। तेईस सौ, 2400, 2500, भाई साहब आधे से ऊपर थी इसकी टंकी तो मैं लेके आया था, वीडियो में देख लिया होगा हमने। 3, 3200, 3300, भाई साहब ज़्यादा ही भूखी थी गाड़ी। हाँ निकाल दो, ₹3473 का तेल आया भाई। तो भाई ये तो हो गया, अब ज़रा इसका मैं ट्रिप मीटर रीसेट कर दूँ। ट्रिप मीटर आता कहाँ से है, तो ये रहा भाई ट्रिप ए और ये होल्ड ए टू रीसेट। तो भाई ट्रिप ए हो गया रीसेट और गाड़ी टोटल चली है 497 किलोमीटर। अब बस भाई पेट्रोल पंप पे वैसे तो मैं यहाँ पे रीसेट मार दिया, अब फटाफट ज़रा एक बार इसकी हवा भी चेक करा देते हैं और फिर चलो भाई अपना शुरू करते हैं अपना माइलेज टेस्ट। थोड़ा सा माइलेज टेस्ट होएगा इसमें। फटाफट अपनी हवा चेक करा लेते हैं। और यार इसके ना मैं आपको ना मल्टीपल माइलेज टेस्ट दूंगा, तो ये मत सोचना कि अभी एक माइलेज टेस्ट कर दिया और हो गया, क्योंकि भाई ये गाड़ी ना अभी पहली सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। तो एक मैं माइलेज टेस्ट आपको दूंगा पहली सर्विस के बाद, और उसके बाद भी मैं आपको अलग अलग माइलेज टेस्ट बना के दूंगा यार, एक सिटी का, एक हाईवे का, और एक ना अभी मैं रैंडम माइलेज टेस्ट भी करूंगा। जैसे यार आप लोग ऐसे तो हो नहीं हमारी तरह कि भाई एक बार माइलेज टेस्ट करा कि गाड़ी फुल कराई, टंकी सिर्फ घुमा दी यहाँ सिटी सुटी में या सिर्फ हाईवे पे मैं चला के ले आऊँ। हम लोगों की गाड़ी भाई यूज़ होती है डेली यूज़ के लिए। तो भाई आपने एक बार टंकी फुल कराई, आप कहीं मार्केट गए, फिर आपने गाड़ी रोकी, आप कहीं अपना घूमने फिरने गए, तो भाई एक मैं आपको वैसा माइलेज टेस्ट दूंगा लॉन्ग टर्म वाला, मतलब उसमें मैं सिर्फ पेट्रोल की टंकी फुल करा के उसी दिन पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, मैं इसको आराम से अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ करूंगा, और फिर जब दोबारा इसको फुल कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसने एक्चुअल में कितनी माइलेज दी है मतलब रनिंग में, क्योंकि भाई जब गाड़ी सेल्फ उठाएगी बार बार रुकेगी तब और भी कंजम्पशन यूज़ होता है। अगर तो अभी मैंने गाड़ी फुल कराई है, मैं क्या करूँ उसको हाईवे पर ले जाऊँ, दे देगी अगर 13-14 की एवरेज, आप लोग खुश हो जाओगे भाई पेट्रोल गाड़ी है और बढ़िया एवरेज दे रही है, तो वो काम नहीं करना है। तो इसलिए आपको मतलब अच्छे से, मतलब अगर आप ले रहे हो मेरे चैनल पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी Z2 की, ताकि आप श्योर हो जाओ भाई आप गाड़ी आपके लिए है कि नहीं। और भाई इसका ना AC भी देख लो, AC मैं इसका सारा टाइम ऑन रखता हूँ और ये रहता है इस वाले उस पर, मतलब मिनिमम कूलिंग पे रहता है, क्योंकि इसका AC भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तो गाड़ी बंद है इसलिए मैंने बंद करा हुआ है, हवा भराने के लिए रुकी हुई है, पर जैसे वो होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो भाई बस अब हमने हवा हुआ भी भरवा लिया, अब श्री गणेश करके इसको शुरू करते हैं फटाफट।
अपने माई लेटर शुरू तो क्या करते हैं, मतलब बस अभी काम से जा रहा हूँ यार, इसकी सेंटर लॉकिंग बनवाने जा रहा हूँ। पता नहीं उसकी वीडियो पहले आ गई होगी या बाद में आएगी, भगवान जाने। मतलब सेंटर लॉकिंग का भी ना पंगा अटका ही हुआ इतने दिनों से, उसकी डिटेल वीडियो में अलग आपको उसमें दूंगा। बाकी तो यार अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन इस पर और देखनी है अपनी स्कॉर्पियो Z2 में तो नीचे मेरे को कमेंट करके बता देना, तो वो मैं करवा के आपको दिखा दूंगा। और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ यार, तो मतलब यहाँ पे दिल्ली जितने रिसोर्सेज तो नहीं है जहाँ से बड़े बड़े अपने यूट्यूबर गाड़ियाँ मॉडिफाई कराते हैं, मतलब उतने वो तो नहीं है। बस हाँ भाई, जितना मेरे को मिल सकेगा इसका सामान और जितना मेरे को थोड़ा लगेगा कि हाँ ये लगवाने लायक है अपनी गाड़ी में, उतना मैं अपडेट करवा दूंगा। और ये भाई चेक कर लो, एसी अपना चल रहा है, एक नंबर पे ब्लोअर है और मिनिमम पे इसकी कूलिंग है। मैं हमेशा इतने रखता हूँ, ब्लोअर ऊपर नीचे करता रहता हूँ, कूलिंग में इतने भी रखता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही मतलब पावरफुल एसी है इसका। मतलब इतने मतलब गर्मियों में भी ना मतलब ठंड लगने लग जाती है अगर इसको मैं मिनिमम पे चला दूँ तो इसीलिए इसकी कूलिंग में मिनिमम पे रखता हूँ यार। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप सारे सेफ हो गए यार। तो आज हो चुकी है नेक्स्ट डे की शुरुआत। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा होगा कि हम चंडीगढ़ गए थे और हमने इसका माइलेज टेस्ट शुरू कर दिया था, और मैंने इसको मतलब इसकी टैंक टू टैंक माइलेज नापनी थी। तो भाई मैंने जैसे पहले बताया था, मैं ऑटो कट ऑफ तक ही माइलेज नापूंगा, उसके बाद भाई अब देख लो गाड़ी अपनी उस टाइम थी 497 ओडोमीटर पे और अब चल चुकी है 530। तो मतलब लगभग 33-35 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी और अब मैं इसका जा रहा हूँ टैंक फुल कराने और इसकी माइलेज देखने। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ये खाली सिटी की माइलेज है, और ये देख लो भाई जो सामने आपको माइलेज शो कर रही है 7.8 की शो कर रही है अभी, और ये विद एसी ऑन की माइलेज है। मतलब एसी मैंने एक भी टाइम के लिए इसके अंदर बंद नहीं करा था, एसी सारा टाइम ऑन था। और सिटी में जैसे गाड़ी चलती है वैसे ही चली थी, मतलब लाइटों पर रुकी थी और अपना धीरे धीरे स्लो मूविंग ट्रैफिक में चली थी, मिड स्पीड में चली थी, मतलब 50s के अराउंड चली थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में और पंचकुला में ही गाड़ी चला रहा था। तो अब देखते हैं यार, एक बार इसको फुल कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और भाई एक चीज़ देखने वाली है, सिर्फ 33-35 किलोमीटर में ही ना इसकी सुई नीचे होने लग गई है पेट्रोल की, तो मतलब एवरेज से तो मतलब मैं तो इसका एवरेज टेस्ट करना नहीं चाह रहा था, बट स्टिल अगर इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स में कि भाई इसका एवरेज टेस्ट करो, तो चलो मैं कर देता हूँ। और बाकी यार अभी ये गाड़ी ना बिल्कुल नई है, अब जैसे ओडोमीटर देख लो 530 किलोमीटर ही चली हुई है। तो मतलब ना फर्स्ट सर्विस तक मतलब इंजन खुलता ही है गाड़ी का, मतलब फर्स्ट सर्विस में मुझे पता है ऐसे मेजर कुछ नहीं होता, बट स्टिल मतलब जब तक फर्स्ट सर्विस नहीं होती ना गाड़ी थोड़ी मतलब अभी रमा नहीं होते इंजन गाड़ी का। तो एक बार जैसे जब गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हो जाए उसके बाद ये सारे माइलेज टेस्ट मैं आपको दोबारा करके दूंगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये एक मतलब नॉर्मल बेसिक सा ही था कि आपको आइडिया देने के लिए कि भाई फर्स्ट सर्विस से पहले गाड़ी कितना एवरेज देती है, फिर उसके फर्स्ट सर्विस के बाद कितना देगी, फिर उसके बाद मैं सारे टेस्ट कर दूंगा उसके अलग अलग। मतलब एक बार मैं गाड़ी सिर्फ हाईवे पर चलाऊंगा, एक बार खाली सिटी में चलाऊंगा, और एक बार मैं मिक्स चला के आपको दिखा दूंगा, और ये सारे माइलेज टेस्ट विद एसी होंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पेट्रोल पंप नॉर्मल पेट्रोल कर दो और ऑटो कट ऑफ पे रोक देना, थोड़ा सा ही पेट्रोल आएगा इसमें। हाँ डाल दो, बस निकाल दो निकाल दो। तो भाई पेट्रोल आया इसमें 415 रुपए का 4.25 लीटर। तो अब दिखाता हूँ इसकी एवरेज, और एक गाड़ी की ऑडोमीटर रेटिंग है 531। तो एक बार बस पेट्रोल पंप से निकल के गाड़ी लगाते हैं पहले साइड में, फिर आपको देता हूँ इसका पूरा चिट्ठा पता। कितनी इसने माइलेज दिया और कितनी नहीं। तो भाई यहाँ पे रोकते हैं अपनी गाड़ी और आपको दिखाता हूँ ओडोमीटर की रीडिंग, दिखाता हूँ भाई ओडोमीटर की रीडिंग है 531, ठीक है, और उस टाइम थी 497। तो अपनी गाड़ी चली है 31 पे, मतलब 34 किलोमीटर अपनी गाड़ी टोटल चली है, 35 किलोमीटर गाड़ी टोटल चली है। उसके बाद अब आपको दिखाता हूँ उसका पेट्रोल की रसीद। तो इसमें वॉल्यूम आई है 4.25 लीटर्स, ठीक है। तो अब जरा अपना कैलकुलेट करते हैं, इसकी 35
डिवाइडेड बाय 4.25, तो ये है भाई माइलेज इसके आपके सामने 8.2 की एवरेज दे रही है अपनी गाड़ी, और यहाँ क्लस्टर पे शो कर रही है 7.9 की। तो वही है यार, जैसे आप माइलेज करो फ्लक्चुएट करती रहती है। और भाई एक चीज़ और, इसकी माइलेज मैंने ट्रिप मीटर में आपको क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि यार इसके अंदर ना सेम वही दिक्कत आ रही है ट्रिप मीटर रीसेट होने की। और तो इसको मैं फर्स्ट सर्विस में, मैं इनके सर्विस सेंटर पर दिखाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक इनके पास कोई सोल्यूशन आया है, क्योंकि जितने मैंने दूसरे भी यूट्यूबर अभी तक देखे हैं किसी का भी इन्होंने वो नहीं करा। तो ये देखो भाई, थोड़ा टाइम चल के इसका ट्रिप मीटर खुद ही रीसेट हो गया था, और 29.4 ट्रिप मीटर पर दिखा रहे, पर अपनी गाड़ी मतलब चली थी ऑलमोस्ट मतलब 35 किलोमीटर चली थी। तो मतलब ये इसका सिस्टम है। तो भाई गाड़ी आपकी एवरेज दे रही है 8.2 की सिटी में पहली सर्विस से पहले। और अब मैंने इसकी टंकी फुल करा दिया ना, तो मैं आपके सामने दोबारा इसका ट्रिप ए रीसेट कर देता हूँ। ये ट्रिप ए रीसेट हो गया, अभी टंकी फुल ही रहेगी। अब मैं इसकी टंकी फुल कराऊंगा जब ये हो जाएगी आधी या उससे कम, मतलब जब ये पूरा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना, और उसकी वीडियो में दोबारा पोस्ट करूँगा। तो 531 किलोमीटर्स में मैंने टंकी फुल कराई है। अब नेक्स्ट टैंक इसका मैं मतलब अभी तो सिर्फ माइलेज टेस्ट करने के लिए मैंने 30 किलोमीटर चला के फुल करा दिया दोबारा, पर अब मैं इसका नेक्स्ट टैंक फुल कराऊंगा जब ये इसका तेल मतलब आधे से कम रह जाएगा, मतलब उससे पहले नहीं मैं कराने वाला। तो उसकी वीडियो मैं आपको अलग बना के दूंगा, वो आपका एक तरह से मिक्स माइलेज रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि तब तक तो वही अभी हाईवे पे भी चलेगी, सिटी में भी चलेगी। तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर लेना, और वो भी फर्स्ट सर्विस से पहले। तो एक तरह से आपके पास सारी वीडियोज़ आ जाएंगी फर्स्ट सर्विस से पहले, और फर्स्ट सर्विस के बाद मैं आपको दोबारा इसकी सारी माइलेज टेस्ट वगैरह दोबारा करके दिखाऊंगा, ताकि इंजन तब तक थोड़ा खुल जाता है। तो ये था भाई कुछ आज का टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का कवर अप करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।